सच में यार धीरे 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 जोश में नहीं, बहुत लंबे वाले हाथ जोड़ लिए दूर से प्रणाम। इसका गाइस मजा सच में बहुत अलग है। मिल गया स्वाद आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जीन माता। जी हाँ, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था हमने कैसे आपको माता रानी के दर्शन कराए। हमने भी कराए, शिवाय और चेरी को भी कराए, और उसके बाद हमें एक फैमिली वेडिंग फंक्शन अटेंड करना था और इतनी मस्ती में भूल ही गए व्लॉग को एंड करना, आपने देखा होगा। तो अभी सुबह के बज रहे 10, बिल्कुल मामला रेडी है, नीचे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे और सबको बाय बाय बोलेंगे और आगे की डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। बहुत स्पेशल होने वाला है आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोग सब एंजॉय करेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं, उसके बाद सीधा मिलते हैं आपसे हाईवे पर। और इधर देखो, ये अकेले अकेले सूत्री है। ब्रेकफास्ट आ जाओ, फोन करा तूने मेरे को? करा मैंने, कॉल आपने उठाया नहीं। अच्छा सही है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इंडिया की सबसे बिगेस्ट नमक बनाने वाली झील को, मतलब जहाँ पे नमक की खेती होती है भाई। हर साल 2,00,000 टन नमक का उत्पादन होता है गाइस वहाँ पर, और बताओ हमारे इतना पास में और हम ही नहीं गए आज तक। तो गाइस सब्सक्राइब पहले, उसके बाद एंजॉय, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो भाई, बहुत मोटिवेशन प्लीज, मिलता प्लीज, है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें। हाँ बेटा, तो इसी बात पे बोलो मनसा माता की जय। तो चलिए जी दोस्तों, लेके जीन माता का नाम और करते हैं आज के सफर की शुरुआत सांभर लेक के लिए। और ये देखिए जी रोड पर कैमिल आ गए, देखो शिवाय कैमिल, चेरी देखो, हाँ वाओ कैमिल है ना, कैमिल कैमिल। जैसे तो हमारा राजस्थान भी कम नहीं है यार, एक से एक चीजें हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप सर्दियों के टाइम में, जिस टाइम अभी हम घूम रहे हैं ना, अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर जनवरी में तो आप मस्त एकदम बिंदास होके आ सकते हैं राजस्थान। कहीं पर भी घूमिए, आपको सब जगह मस्त माहौल मिलेगा, एक से एक जगह देखने को मिलेगी। तो भाई सामने देखिए एक और किला, मतलब मैं पहले भी दिखाना भूल गया, ये तीसरा चौथा किला दिखा है इधर की तरफ। किले बहुत है यार, किला मतलब फोर्ट जो आपके उसमें बोलते हैं ना लैंग्वेज में, गजब है यार, एक से एक किले हैं। तो दोस्तों अभी हम जो क्रॉस कर रहे हैं वो सिटी का नाम है रामगढ़, और रामगढ़ मुझे मतलब ऐसा कॉमन नेम है ऑल ओवर इंडिया में, पता नहीं कितने रामगढ़ होंगे। अगर आपके उधर भी ऐसा कोई रामगढ़ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइस कुछ भी कहो यार, क्या रोड है, मतलब अभी तक तो हमें एक खड्डा नहीं दिखा, मतलब छोटा मोटा चलता है, बाकी तो रोड कल वाले से बहुत बढ़िया रोड है। कल वाले रोड पे क्या हैवी लोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तो दोस्तों ये आ गया जी नावा सिटी, ऐतिहासिक नगरी भी बोलते हैं इनको, और करीब करीब हमारी मंजिल के पास में है, आधा पौन घंटे का यहाँ से समय लगेगा। और दोस्तों देखिए नमक से भरे हुए ट्रक, लेफ्ट हैंड पे देखिए आपको रिफाइनरी दिख रही होगी नमक की, और कितने बड़े बड़े ट्रक भर भर के नमक है भाई साहब। ये देखिए सामने ट्रक आ रहा, देखो ऊपर तक लबा लब भर रखा है, ये देखिए साइड में साइड देनी पड़ेगी इनको, नमक ले लो, नमक नमक ले लो, नमक 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 भाई साहब। जहाँ देखोगे यहाँ पे तो हवा में भी नमक मिलेगा, देखना ये देखो कितने बड़े बड़े नमक से भरे हुए हैं। ये सब आता है रिफाइनरी पे, और रिफाइनरी से इसको फिल्टर होके आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। सामने का नजारा देखिए बॉस, ये देखिए हमारे दोनों तरफ रोड के सांभर लेक है। नावा से सांभर के बीच में ये लिंक रोड है पूरी झील के जस्ट बीचों बीच, और जहाँ तक नजर जा रही है ना, मतलब वहां तक भाई साहब पानी फुल है इस बार तो। और ये देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है लेक के यहाँ पर, और सबसे मेन चीज़ इसमें लाखों की तादाद में फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं, उनका एक अलग से मतलब उन्होंने ग्रुप बना रखा है, अभी मुझे इतने नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैंने सुना है। देखिए वो सामने की साइड जैसे व्हाइट कलर के फ्लेमिंगो बर्ड्स ही है, मतलब विदेशी पक्षी बहुत आते हैं यहाँ पर। ये देखिए मतलब अभी हमने इतनी देर में 50 से 60 ऐसे ट्रक देख लिए जो एकदम ओवरलोड हो रखे हैं नमक से, वो सब रिफाइनरी में जाएंगे, वहाँ से नमक को रिफाइन करके पैक करके उसके बाद अपने घरों तक पहुँचाते हैं। तो देखते हैं अगर मौका मिला अगर फैक्ट्री तक जाने का तो वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो चलते हैं शाकंभरी देवी के मंदिर, यहाँ पे बहुत ही फेमस शाकंभरी माता का मंदिर है। यहाँ पर ऐसे काफी आपको फार्म मिल जाएंगे जिन्होंने ऐसे छोटे छोटे पोंड बना रखे हैं, और उसके अंदर धीरे धीरे ये पानी को सुखाते हैं। ये देखिए सामने जो ढेर दिख रहा है ये भी नमक का ढेर है, कटावड़ी बोलते हैं जिसको, लकड़ी की बनी हुई होती है, और ये देखिए पानी को हिला हिला के ऊपर नीचे करते हैं, मिक्स करते हैं। और ये पिंक कलर का जितना भी दिख रहा है ना आपको नमक दिख रहा है, ये देखिए भैया ने जैसा कि बताया। तो भैया कितने दिन में बन जाता है नमक ये? एक डेढ़ महीना में आवे। नहीं तो नीचे गई थे सीमेंटेड आंगनों बना रखे हो कि मैं
मोल्ड को इतना चिकनो है नहीं, इसलिए बिल्कुल प्लेन। तो दोस्तों मैं यहाँ की थोड़ी लोकल लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भैया खुद मारवाड़ी बोल रहे हैं। मुझे हालांकि इतनी नहीं आती है, लेकिन ठीक है। तो भागीरथ जी एक बात बताओ, जानते हैं नमक के पानी में दिन भर पैर डुबो के रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा था क्या शरीर में या पैरों में? नुकसान नहीं करो पानी नमक को है? तो देखा दोस्तों आपने कैसे नमक को बनाया जाता है, छोटे छोटे तालाब बनाते हैं उसके अंदर पानी को फैला देते हैं, और यहाँ का जो पानी है ना उसी का सारा कमाल है, उसे ब्राइन वाटर भी बोलते हैं। उसमें ब्राइन वाटर क्या होता है कि उसमें बहुत हाई क्वालिटी का सोडियम क्लोराइड रहता है, मतलब नॉर्मल पानी से कम 100 या 200 गुना ज़्यादा। ये समुद्र का पानी खारा रहता है ना, वो अलग चीज़ हो गई, और यहाँ पर जो स्पेशल पानी रहता है ना वो अलग चीज़ है, जैसा कि पीछे आप देख सकते हैं भैया भी। और मैंने अभी इनसे पूछा कि भाई आप दिन भर जैसे नमक के पानी के अंदर रखते हो करते हो पैर कोई नुकसान नहीं होता, तो इन्होंने तो मना करा है, लेकिन मैंने जो YouTube पर देखा है कुछ लोगों ने ऐसा क्लेम किया है कि यहाँ के लोगों के जो पैर होते हैं ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं, मतलब नमक के पानी में डालने से। अब सच बात क्या है, क्योंकि ये भैया तो मना कर रहे हैं। तो गाइस देख लीजिए एक नमक जैसी साधारण चीज़ को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो देखिए दोस्तों ऐसी कंडीशन में यहाँ से निकलता है नमक, पूरा बिल्कुल पत्थर की तरह है, और इसको फैक्ट्री में लेके रिफाइनरी में ले जाके और अपने लिए तैयार करेंगे। गाँव की ऐसी पतली पतली गलियों में भी गाड़ी चलाने का अपना मज़ा है, तब तक ही मज़ा है जब तक सामने से कोई बड़ी गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि ये इतनी पतली है दो गाड़ियां क्रॉस हो ही नहीं सकती इस वाली गली में से। भाई साहब अच्छा भला रोड था, यहाँ पे गाड़ी नहीं फंस जावे हमारी दिक्कत हो जाएगी यार, पूरी नीचे से टच होती हुई चल रही है और अब रोक नहीं सकते, पूरी बालू रेत है, पूरी बालू रेत, गजब यार। ये ऐसा कैसा रास्ता है, गलत रास्ते तो नहीं आ गए अपन? गाइस देखिए यार, ओ हो हो हो, ये ट्रैक्टरों ने कर दिया भाई, ट्रैक्टरों ने कर दिया ये। भाई साहब ऑफ रोडिंग हो गई है। तो दोस्तों फिर से मरवा दिया नेविगेशन ने, ये देखो कोई खेत के अंदर लेकर आ गए यार, ये तो कच्चा रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता, पता नहीं कहाँ से क्या है। सारे मूड की 12 बज गई, मरवा दिया आज फिर, ये देखो कैसी जगह लाके डेड एंड पे लाके खड़ा कर दिया बिल्कुल, और रोड भी ऐसा है बैक लेना भी पॉसिबल नहीं है और मोड़ना भी पॉसिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भाई साहब ये तो रास्ते, ओ गाड़ी देखो, गाड़ी आवाज आई ना नीचे से, ऐसी कितनी बार अड़ चुकी है गाड़ी यार, मतलब गाइस देख सकते हो आप जो हिल रहे हैं ना अपन, चेरी गिर जाएगी बेटा नीचे बैठ जा, रोलर कोस्टर राइड हो गया है तो। सच में यार, और केवल 10 की स्पीड पे चला रखे हमें अभी हमने, ये देखो केवल 10 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, और कम से कम 50 बार नीचे लग गई होगी, मतलब नीचे लगती है ना तो यहाँ दिल पे लगती है भाई, दिल पे। ये बहुत नाराज हो रही थी कि अकेले अकेले स्पीति चले गए, ये स्पीति है तो मतलब अगर ये 10 किलोमीटर है ना तो सोच लेना 100 किलोमीटर ऐसे ही रोड आएगा स्पीति में, समझ गई? समझ गई। तो गाइस मैंने इनको छोटा स्पीति घुमा दिया है, और कर लो कैंपिंग, मिल गया स्वाद आपको, आ गया भैया आपका स्वाद, पे जाएंगे कैंपिंग करेंगे, सांबल लेक पे कैंपिंग करेंगे हम तो, आ गया भैया स्वाद आ गया आज तो, अच्छा नमक वाला स्वाद आ गया आपको तो। अब नमक ही पूरे मुंह में ऐसा लग रहा है नमक ही नमक हो गया। गाइस पैरों की हालत देखो, शूज की हालत, चलते चलते पूरे व्हाइट हो चुके नमक के अंदर, और ये देखिए मुझे लग रहा नहीं है कि यहाँ पर निकल जाएगी गाड़ी, ये देखिए यहाँ कहाँ गाड़ी लेकर आया कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, तो एक बार कोशिश करके देखते हैं यार, पत्थर तो काफी बड़े बड़े हैं। तो है ना झूठ का मोटिवेशन मत दिया कर मेरे को, चलो चलो चलो, मेन तो देखो कैसे पत्थरों के ऊपर निकालनी पड़ रही है, ये देखो आवाज आ रही होगी गाइस आपको, कैसे गाड़ी के स्क्रैच आ रहे हैं हमारे, भैया हम भी एक दिन जैसे भी लेंगे, रुक जाओ आप। हे भगवान, एक बार हाथ भाई, आज के बाद इस रास्ते पर नहीं आऊंगा मैं, आज के बाद बहुत लंबे वाले हाथ जोड़ लिए दूर से प्रणाम, कभी भी आज के बाद शॉर्टकट के चक्कर में तो पड़ूंगा ही नहीं, चाहे 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर हो, भैया रोड ही पकड़ो हमेशा। अपने राजस्थान में तो गूगल फेल है, मैंने ये देख लिया भैया गाँव के अंदर ऐसे ऐसे रोड पर, जहाँ पर रोड ही नहीं है ना वहाँ पर भी ये रोड बता देता है। यार भूख लगने लग गई सच बात बोले तो, चेरी आपको लग रही है क्या? देखो देखो देखो, उसने पहले भूख लगा लिया। आज तो सच में माता रानी ने कौन कौन सा गाँव की यात्रा करा दी, और ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी के साथ हम माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं, फुल ऑफ रोडिंग वाला ट्रिप रहा भाई है, उछलते कूदते हुए। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये सामने वाला मंदिर ही है, श्री माँ शाकंबरी अटल छत्र दरबार सत्र 2016। और ये देखे जी, ये देखिए जहाँ तक नजर जाएगी ना आपकी, एकदम फ्लैट ग्राउंड है गाइस। गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल तो लग नहीं रहा कैंपिंग जैसा कुछ, लेकिन स्टंट मार के जरूर जाएंगे, एक बार तो गाड़ी भगानी है भाई, जो डेजर्ट है ना जिस लेवल का है, कच्छ नहीं जा सकते, कच्छ के जैसा सही सांभर भी कम नहीं है। और सामने जो आपको धूल उड़ती हुई नजर आ रही है ना कोई हमारे जैसा भाई है, देखो गाड़ी दौड़ाता हुआ आ रहा है पूरा, अभी अपन भी चलेंगे वैसे ऑफ रोडिंग करेंगे। गाड़ी से बाहर आते ही है ना, मतलब शूज उतारो शिवा यहाँ पे बाहर, मन से आप भी उतार दो।
और यहाँ से है जी मेन एंट्री। सोलह सौ क्या बात है, 631 ईस्वी से है ना। तो आपका क्या शुभ नाम महाराज? नवीन शर्मा। नवीन जी शर्मा है ना। तो यहाँ पे नवीन जी शर्मा मिले और उन्होंने हमें माता रानी के दर्शन करवाए, और इधर चिक्की और चेरी, और इधर शिवाय। शिवाय धोक दो। ये देखिए गाइस, अभी हम मंदिर की छत पर है और सामने से नज़ारा देखिए बॉस। लोगों को गाड़ियाँ भगाने में बहुत मज़ा आता है। मैं और जूम करके बताऊँ, देखो आपको, ये दोनों भाई रेस लगा रहे हैं शायद। ये अपनी लैंग्वेज में जय माता दी बोल रहा है, माता जी समझ जाती है सब। हाँ जी मैडम, रेडी एडवेंचर के लिए? रेडी, चलिए जी, अब आपको दिखाते थोड़ा सा एडवेंचर। तो चलिए जी, यहाँ से हमें पता लगाया, अभी भैया ने बताया पीछे, यहाँ से एक रास्ता है जो लेफ्ट हैंड साइड पे कच्चा रास्ता जा रहा है ना मैदान में उतरने के लिए। तो चलिए अब मैदान में उतरते हैं। ये आ गए जी, हम ये आ गए नीचे। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं राजस्थान के कच्छ में, रण में, मतलब रण से कम नहीं है भाई, इतना जहां तक नजर जाए ना वहां तक मैदानी मैदान है। तो तैयार हो जाइए एक एडवेंचर वाले सिनेमेटिक शॉट के लिए। जूम। बिना मेकअप के फ्री का पाउडर लगा दिया तेरे मैंने। अजी तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? पूरा भूतनी बना दिया और मैं भूत बन गया भाई। मुंह तक मतलब ऐसा खट्टा खट्टा पन सा लग रहा है, मिट्टी हो गई। एक काम कर, बिल्कुल हंसना नहीं है, कहने का मतलब बिल्कुल एकदम खार में आता ना वैसे भागते हुए आना, मतलब एकदम जोश नहीं होता बिल्कुल। हाँ एक काम कर, तू मुझे याद कर ले, तेरी हंसी गायब हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों चिक्की का मन अभी भरा नहीं है, इसने बोला मैं वो ट्रेंडिंग वाला गाना है ना मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, अब तक तो आपके कानों में से खून आ चुका होगा वो गाना सुनते सुनते, लेकिन चिक्की मैडम की इच्छा एक बार ट्राई करेगी और आप बताना कैसा बना। तो ये वाली रील आपको देखनी तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके फॉलो कर लेना, वहां पर हम इसे अपलोड करेंगे कल की डेट में। ये देखो यहाँ पे रिहर्सल चल रही है। और गाइस गाड़ी की हालत देखिए यार, हमारे कितनी कितनी मिट्टी जम चुकी है इसके ऊपर, अब लग रहा है भैया ऑफ रोडिंग, मतलब पूरी गाड़ी है ना एकदम पूरी डस्ट में हो चुकी है। अच्छा एक चीज, जो मेन चीज मैं आपको बता रहा था, अगर आपको ये सेम लोकेशन पहुंचना है, क्योंकि सांबर झील भाई बहुत बड़ी है, पूरा दिन भर भी इसका राउंड लगाने में लग जाएगा ना, आपने देखा होगा हमारा एक्सपीरियंस, एक गलत रास्ते पे आपको आपका सारा मजा खराब कर सकता है। तो मैं आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ, आप सीधे डालना। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको फ्रंट कैमरे से, ये देखिए अभी ठीक वहां पे सामने माता रानी का मंदिर है, शाकंभरी देवी का मंदिर, और वहीं से रास्ता नीचे उतर रहा है और बिल्कुल उसी रास्ते से हम आए। और ये देखिए और भी भाई लोग यहाँ पर स्टंट मार रहे हैं। तो दोस्तों चिक्की ने एक चैलेंज लिया है अभी, एक्चुअली क्या है यहाँ पे कई कई किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है बिड़ने लायक, तो इसने बोला आज तो मैं गाड़ी चलाऊंगी, इसने इससे पहले कभी भी ड्राइविंग सीट पे बैठी तक नहीं है, मतलब देख मेरे को मेरी गाड़ी में तेरे से भी ज्यादा प्यार है। अच्छा चलो देखते हैं। हाँ जी तो रेडी? बिल्कुल रेडी। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला क्लच दबाओ, पूरा जड़ तक दबा दिया, जड़ तक दबा दिया। अब बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो, रुको एक मिनट रुको, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ो, रेस दो धीरे धीरे, हाँ दो क्लच छोड़ो। गाइस हमने गियर ही चेंज नहीं करा अभी तक, ये फर्स्ट गियर में डाल इसको, इधर लाके और आगे कर, यू और यू, ठीक है। क्या बात है, धीरे 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 जोश में नहीं, अरे क्या बात है चिक्की मैडम पहली बार में। बस बस धीरे धीरे, ज्यादा जोश में नहीं, सामने एक और गाड़ी है और शिवाय इधर बोल रहे हैं मम्मा चाहिए मम्मा चाहिए, बस धीरे से ब्रेक लगा दो, धीरे से बिल्कुल बीच वाला, बिल्कुल धीरे से, बस मान गए भैया मान गए, सीख जाएगी तू तो।
कितना खुश हुई है पहली बार में बेटा तूने एक्सयूवी चलाई है, मैंने अपने लाडो को दिया तेरे हाथ में, समझी ना। तो गाइज आज शर्त हार गया भाई मैं, और शर्त ये थी कि जो शर्त हारेगा वो कॉफी बना के पिलाएगा। तो भैया अब मेरी बारी है कॉफी बना के पिलाने की। बेटा सिखाया किसने? हाँ ठीक है चलाई तो सही ना। तो चलिए जी सांबर झील के ऑलमोस्ट हम सेंटर में खड़े हैं, मतलब थोड़ी सी दूर आगे पानी है लेकिन हम गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि कीचड़ बहुत ज्यादा है, फंस जाएगी। तो मैं पिलाता हूँ आप सभी को और हमारी चिक्की मैडम को और बच्चों को गर्मा गर्म कॉफी। तो चिक्की को मेरे पे दया आ गई कि चलो छोड़ो कॉफी मैं पिला देती हूँ। आप चैलेंज आ रहे हैं, आप बनाएंगे प्रिपरेशन हम करके दे देते हैं। अच्छा ऐसी बात क्या, कोई नहीं हमको, हम कौन से कम है। चलो जी चलो ये खुल गया हमारा किचन, कुछ क्या नहीं गिरा यहाँ पर, जो सामान रखे हुए थे ना गाइज मैं बताता हूँ कहाँ आ गए वो, ऐसी ऑफ रोडिंग करी। ये देखो गाड़ी की हालत देखो गाइज, पूरे यहाँ पे थे और यहाँ पर आ गए, और आप बोल रहे हो मैडम कुछ नहीं गिरा। नहीं कुछ नहीं गिरा। और इधर हमारे शिवाय ने पवन चक्की का आविष्कार कर दिया देखो। तो चलिए जी तैयारी करते हैं कॉफी की, कुछ खाना पीना भी है क्या, बना लेते हैं बोलो। तो ये खुल गया जी हमारा किचन हमेशा की जैसे। तो भैया अब ये चश्मा लगा रही है लेकिन स्टाइल के लिए नहीं, यहाँ पे जरूरत है। एक्चुअल में क्या है, सनसेट की पूरी सीधी जो किरणें हो ना पूरी इसके चेहरे पे लग रही है और आंखें सच में नहीं खुल पा रही है, खुल रही सच में। हाँ तो ये देखे जी ये हम हमारा गैस सेटअप कर रहे हैं, और इधर शिवाय दूध की थैली लेकर मम्मा को दे रहा है कि मम्मा मम्मा कॉफी बना दो जल्दी से। कुकर क्या कर रही है चिक्की? पॉपकॉर्न कॉफी के साथ में। पॉपकॉर्न पड़े थे क्या? तो गाइस अभी हम बिल्कुल आधी अधूरी तैयारी से आए थे क्योंकि हमें शादी का फंक्शन अटेंड करना था, लेकिन 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 हमारी कैंपर वैन में देखिए कुछ भी बचा कुचा आइटम जो है ना वो तो दिख ही जाता है। देखिए क्या क्या पड़ा है इसमें, सूप के पाउच पड़े हैं, मैगी मसाला पड़ा है, इसमें मैगी ओट्स है, सूप के भी पैकेट्स है लेकिन अभी गर्मी। और इधर देखिए जी ये हमने खाली नहीं करे, दालें पड़ी है, बेसन पड़ा है, मतलब जो मन हो ना एक बार का आप बना के खा सकते हो। तो फिलहाल तो हम बनाएंगे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न और कॉफी। शिवाय पॉपकॉर्न खाना है? हाँ। तो दोस्तों देखिए सनसेट होने वाला है और हमारी चल रही इधर कॉफी की तैयारी, देख लेंगे कुछ भूख लगी तो, वैसे तो अभी भूख नहीं है। दूर दूर तक कोई नहीं है गाइस, दूर दूर तक देखे चारों ओर जहां तक नजर जाएगी ना वहां तक मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस है एकदम। गाइस एक फ्री का टिप और दे रहा हूँ, जो जो हमें एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे, इधर आप देख लो दूर दूर तक मतलब कई किलोमीटर तक रास्ता नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाना है, मतलब एक वो है क्योंकि हम ट्रैक से एकदम आउट आ चुके हैं बहुत आगे तक। तो एक मेन आप ध्यान रखो, अंधेरा होने से पहले पहले ऐसे निकल जाओ वरना आप घूम सकते हो झील में, मैं सच बता रहा हूँ आप घूम सकते हो और इधर उधर जा सकते हो, बहुत देर बाद आपको मिलने वाला है, मतलब लाइटें देखते देखते आप कई कई किलोमीटर तक चला जाओगे। तो अभी तो फिलहाल हम अंधेरा नहीं होने देंगे, बढ़िया से एक गर्मा गर्म कॉफी बनाते हैं, शानदार सनसेट का मजा लेते हैं और तुरंत प्रभाव से ऐसे निकलते हैं। दोनों बच्चे आराम से बैठ चुके हैं फोल्डिंग चेयर्स पे, शिवाय पॉपकॉर्न का वेट कर रहा है, चेरी उसकी किटी को खिला रही है। तो ये पॉपकॉर्न हम इंस्टेंट पॉपकॉर्न लेकर आए थे, हम नहीं मैडम लेकर आई थी, इसको पता था, मैं तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो ये गए जी इसके अंदर पॉपकॉर्न, तो एक गैस पे इधर पॉपकॉर्न बन जाएंगे, दूध चढ़ा दिया तो इधर हमारा दूध चढ़ रहा है कॉफी के लिए, गर्म हो रहा है। क्या बात है, कैसी ललसा भरी नजरों से देख रहा शिवाय, यम्मी यम्मी। शिवाय से वेट नहीं होता सच में। अगर आपको भी हमारी तरह इस तरह का कोई शौक है और आप भी हमारी तरह को ऐसी गाड़ी बनाना चाहते हैं तो मैंने फुल मेकिंग से लेके उसके जितने भी फंक्शन है जो हमने बनाए हैं इसके अंदर सब डाले हैं, काफी लोगों ने हमसे इंस्पिरेशन लेके और उसमें आप खुद का भी दिमाग एड ऑन करके ऐसी कुछ गाड़ियां बनाई है, मैंने देखे वीडियोस और सच में दिल से खुशी होती है कि यार इंस्पायर हो रहे हैं लोग बाग और मतलब हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है। वैसे दोनों भाई बहन लड़ते रहेंगे लेकिन जहाँ मतलब होगा ना वहाँ तो ऐसे एक हो जाएंगे, ऐसा प्यार दिखेगा ना इन दोनों का। अभी यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है लेकिन हम खुद अपनी कंपनी को इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, हमें मतलब ही नहीं किसी से। हाँ तो चिक्की जी कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? तो ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है सच में, कभी सुकून से जाके अकेले में ऐसी जगह बैठी है, कैंपिंग का शौक है तो सबसे बढ़िया, नहीं भी है तो आराम से चिल मारिए अपनी फैमिली के साथ। ये हो गया जी आज का फ्री का ज्ञान और इसी के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई के चैनल को, बहुत सपोर्ट बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक सब्सक्राइब से। जल्दी आते हैं हमारी 50,000 स्पेशल सीरीज लेके, थोड़ा सा लेट हो गया मुझे पता है लेकिन ये दो तीन दिन के जो ब्लॉग थे इनको डालना जरूरी क्योंकि वो सीरीज लंबी चलनी है थोड़ी। जल्दी मिलते हैं आपसे नई ब्लॉग और नई जगह के साथ, तब तक अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू।